we are going to discuss electrode products next lecture. Today we are going to discuss election procedure. It means जब इलेक्शन होता है तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है इलेक्शन कराने से पहले और इलेक्शन कराने के बाद क्या क्या होता है, यानी टोटल जो इलेक्शन होता है उसमें क्या क्या करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के लिए. जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, हम बोलते हैं चुनाव आयोग, वो क्या क्या हमारे यहाँ उसे क्या क्या उसके जो रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं टॉपिक्स पे. जैसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, और इस वोटर लिस्ट को हम एक अलग नेम से जानते हैं, इलेक्टोरल रोल. इसको बोलते हैं हम इलेक्टोरल रोल, यानी इसका ये अलग नेम है इलेक्टोरल लिस्ट का. इसका ये अलग नेम है, इसको हम वोटर लिस्ट भी कह सकते हैं और इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब वोटर लिस्ट यानी वोटर लिस्ट जो प्रिपरेशन होता है, यानी डिसाइड टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी जो स्टेप होता है उसका डिसाइड द वोटर हु कैन वोट, यानी जो वोटर्स हु कैन वोट, जो वोट कर सकता है, जो वोट कर सकता है. अब इना जैसे अवर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है कि लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले जो वोट के लिए एलिजिबल होता है उसके लिए वोट मतलब जो लिस्ट बन जाती है. अब वो तो क्या है, इलेक्शन आफ्टर यानी एवरी आफ्टर 5 ईयर होता है. अब उन 5 साल में बहुत सारे जो जो पीपल होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट बनने के लिए. अब उसकी एक क्वालिफाइंग एज रखी है ये 18 ईयर्स, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक नेम दिया गया है कि ऑल द सिटीजंस एज्ड 18 ईयर्स और एबव कैन वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट कलर रिलीजन सेक्स एक्सेट्रा, यानी डिस्क्रिमिनेशन बिना भेदभाव के, यानी वो किसी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी डिफरेंस रिलीजन किसी भी टाइप का हो, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, यानी अगर वो 18 ईयर्स का है तो वोट डालने का राइट हो जाता है और उसमें वोटर लिस्ट में उसका नाम ऐड हो जाता है. अब ये वोटर लिस्ट फाइनल, जैसे वोटर लिस्ट कंप्लीट की जाती है, जैसे बहुत से जो नए वोटर्स हो जाते हैं, जैसे आज आप स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन जो लोकसभा का 2024 में होगा तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे. तो उस समय इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में यानी 24 में इलेक्शन जो होगा तो आपका वोट जो ऐड होगा, तो वही है कि वोट ऐड होना और उसमें कुछ लोगों की डेथ जाती है तो उनके वोट डिलीट कर देना, उनके जो वोट्स है वो डिलीट कर देना, यानी वहां से रिमूव कर देना. अब आप लोगों को वोट डालने का अधिकार कौन दिया है, बट यहाँ पर क्या होता है कि वोट डालने का क्या होता है कि 18 ईयर्स का जो पर्सन होता है वो कुछ समझने की क्षमता रखता है, यानी कुछ अच्छा और बुरा दोनों चीजें समझ सकता है, मैं किसे वोट करूँ या किसे नहीं करूँ. इसीलिए जो 18 ईयर्स कम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, उन्हें इसीलिए वोट डालने का राइट्स नहीं दिया जाता कि उनके अंदर जो समझ होती है वो उतनी नहीं हो पाती. तो अब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी, अब इलेक्शन में क्या होता है, जो वोटर लिस्ट जो कंप्लीट होती है इलेक्शन से पहले, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम बोलते हैं वोटर आईडी, जिसे हम पहचान पत्र बोलते हैं हिंदी में, वो इलेक्शन, अब ये किसके द्वारा, ये वोटर लिस्ट है, ये टोटली जो वर्क होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है. हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पूरा वर्क कंप्लीट जो वर्क होता है, एक इपिक जिसे बोलते हैं, वो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है. अपडेटिंग ऑफ वोटर लिस्ट, यानी जब ये कंप्लीट हो जाता है, जब वोटर लिस्ट मतलब उसमें सारे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, यानी गांव गांव जाके जो जिन व्यक्ति को जो BLO होते हैं वोटर का भर दिया जाता है वोटर लिस्ट का, वो वोटर लिस्ट बना के कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीट फाइनल लिस्ट आ जाती है. तो ये क्या होता है, वोटर लिस्ट. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन अनाउंस, इसके बाद वोटर लिस्ट कंप्लीट होती है, आफ्टर द इलेक्शन अनाउंस दैट विल बी कैंडिडेट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो करते हैं नॉमिनेट करते हैं. अब इस नॉमिनेशन में क्या होता है कि इसकी एक एज होती है, यानी इंडिया एनीवन कैन बी अ वोट आल्सो बिकम अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी हर पर्सन क्या होता है उसमें जो जिसकी जिसका वोट बना हुआ है वो क्या करता है,
वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, बट डिफरेंस इज एज। डिफरेंस क्या है? एज का है, यानी जो वोटर जो कैंडिडेट है उसकी एज 25 है और जो वोटर्स की एज होती है वो 18 ईयर्स होती है। डिफरेंस केवल यही है। अब उसमें नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उस नॉमिनेशन फॉर्म में उसकी एजुकेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एज, यानी सब कुछ उसमें फिल किया जाता है। ये क्या चीज होती है? ये सब चीज उसमें डिक्लेरेशन किया जाता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सब उसमें, उसकी सिक्योरिटी जो होती है वो सब उसमें फिल की जाती है कि उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिल करे। उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इलेक्शन से पहले उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती है वो चाहे मनी रूप में हो, यानी चाहे करेंसी रूप में हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी जमीन लैंड वाली प्रॉपर्टी हो, या जैसे बिल्डिंग्स होती है जैसे प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, ये सब प्रॉपर्टी में आते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी उसे शो करनी होती है। सिक्योरिटी डिपोजिट, यानी इलेक्शन वाले जब नॉमिनेशन फॉर्म पे होता है तो कुछ उसकी सिक्योरिटी भी, यानी कुछ रुपए डिपोजिट किए जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी भी डिपोजिट की जाती है। अब उसमें क्या है, जो कैंडिडेट है, यानी डिटेल्स ऑफ एसेट लियबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, यानी उसकी फैमिली के बारे में पूरी डिटेल दी जाता है, कितनी उसके उसकी फैमिली कितने मेंबर है वो सब। और एक जो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो जीरो है, यानी अगर वो अनपढ़ भी है तो इलेक्शन लड़ सकता है। अब सबसे गलत ये पॉइंट है कि वो अगर अनपढ़ भी है तो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रीजन दिया गया है कि किस लिए वो इलेक्शन लड़ सकता है। देखिए कहते हैं ना, व्यक्ति अगर पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो उसे क्या कराना है, क्या काम कराने हैं उसे। अब वो अनपढ़ भी कर सकता है, उसे भी तो नॉलेज होती है, उसे भी नॉलेज होती है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब पढ़ा हुआ व्यक्ति से कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो इंडिया है उसमें हर टाइप का व्यक्ति रहता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। अब पुअर पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। रिच पर्सन है वो लिटरेट होते हैं तो इलेक्शन कैन इलेक्शन फाइट। तो इसीलिए कि उसमें गरीब चाहे वो रिच हो, रिच एंड पुअर, एनीवन कैन फाइट कंटेस्ट इलेक्शन, शुड बी एजुकेशन हैव और नॉट, यानी वो एजुकेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट, यानी जब नॉमिनेशन हो जाता है तो उसकी जो नॉमिनेशन हो गया तो यानी हाउ मेनी कैंडिडेट्स, यानी जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके का, जैसे देखिए नॉमिनेशन जो पेपर्स आता है वो फिल कर दिया, नॉमिनेशन पेपर्स फिल कर दिया, और उनका जो विथड्रॉल होता है वो नॉमिनेशन कर दिया था। उसके बाद क्या करेगी, पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट, पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट, यानी आफ्टर द विथड्रॉल द फाइनल लिस्ट प्रिंटेड इलेक्शन सिंबल आर अलॉटेड द कैंडिडेट्स। अब होता क्या है कि इलेक्शन सिंबल्स, यानी सम कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ पार्टीज, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल, समता पार्टी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पार्टी है इंडिया में, तो वो पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उनको ऑलरेडी सिंबल अलॉट होता है। जैसे बीजेपी का कमल का फूल यानी लोटस, कांग्रेस हैंड्स यानी फाइव फिंगर ऑफ हैंड्स, समाजवादी पार्टी साइकिल, बहुजन पार्टी एलिफेंट्स, यानी सिंबल अलॉट होने ऑलरेडी है। अब सम आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी जो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनको इलेक्शन कमिटी जो होता है वो सिंबल अलॉट करता है, तभी वो फाइनलिस्ट हो जाती है, किसको क्या इलेक्शन को सिंबल मिला है। अब स्टूडेंट सिंबल यानी नेम पे स्टैंप नहीं लगती, एक ईवीएम मशीन होती है तो वहीं पर, अब कहते ना कि उनके जो इलेक्शन होते हैं कि वो इलेक्शन जो सिंबल होते हैं वो अलॉट करते हैं। अब देखिए हमारी कंट्री में इलिटरेट और लिटरेट टू टाइप्स के पर्सन है। अब अनपढ़ व्यक्ति नाम तो पढ़ नहीं पाएगा, वो जो मार्क के जो सिंबल लग वो पहचान लेगा, तो उसके लिए इसीलिए सिंबल अलॉट किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉल स्टाफ, यानी जब इलेक्शन होता है तो जो वोटिंग कराने आते हैं वो लोग स्टाफ भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि जब हर जैसे अब इलेक्शन जो कमीशन होता है वो वोट करवाता है। अब वोट होते कहाँ पर है, जैसे किसी गांव में पढ़ते हैं, शहरों में पढ़ते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो आगे बताएंगे हम अभी, तो इलेक्शन उसके लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन कंपेन स्टूडेंट हियर इलेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कंपेन, यानी इलेक्शन कंपेन। अब इलेक्शन कंपेन कैसे करते होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन द
व्हेन द इलेक्शन यानी व्हेन द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट व्हेन द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कैंडिडेट गेट्स प्रिंटेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, जो ऑफिसर होता है रिटर्न बनाया है उसके द्वारा वो लिस्ट अचीव की जाती है यानी मिलती है वो। एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च देयर इलेक्शन, डिफरेंट पार्टी लॉन्च देयर इलेक्शन कैनवस यानी अब अपनी वो रैली जैसे इश्यूज देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। यार स्टूडेंट मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो में से अपना वो कैनवस, कैनवस मतलब अपना जुलूस निकालते हैं वो, कार्रवाई से कहते हैं यानी जुलूस निकालते हैं वो अपना जनता के बीच अपनी पहचान के लिए, यानी पहचान तो की होती है अपना मतलब ऐड करने के लिए अपनी मतलब अपनी तरफ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इश्यूज द इलेक्शन मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो से कहते हैं हिंदी में घोषणा पत्र, यानी इस मैनिफेस्टो में हर पार्टी क्या होते हैं, हर पार्टी का अपना अपना विजन होता है, अपने अपने इश्यू होते हैं कि उन्हें अगर उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या करेंगे, उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो क्या क्या करेंगे। अब जैसे मीटिंग्स करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं मीटिंग्स करते हैं, अपनी रैली निकालते हैं, देखा होगा रैली निकालते हैं, उनका एड न्यूज़पेपर्स में आता है, टेलीविजन पे आता है, रेडियो पे आता है, मैगजीन में आता है, यानी उनकी सारी जो डिटेल्स आती है मैनिफेस्टो की, उनके जो वर्क होते हैं कि हम ये आगे जाके जैसे आपने देखा होगा कि हम हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम लोन माफ करेंगे, मोबाइल बांटेंगे, हम लैपटॉप देंगे कि एजुकेशन फ्री करेंगे हम, और कि हम गर्ल्स के लिए यानी गरीबों के लिए उनके लिए जो पेंशन्स देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है उनके लिए हम अनएम्प्लॉयमेंट जो पेंशन है यानी जो बेरोजगारी भत्ता है वो देंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनिफेस्टो में। जैसे आपने देखा था कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या रखा था कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो ऐसी ही जो कंपेन होती है वो ये लोग लेके आते हैं। कुछ स्लोगन्स यहाँ पर देते हैं जैसे सक्सेसफुल स्लोगन, यानी जो पहले इन ओल्डन टाइम यानी प्रीवियस टाइम कुछ स्लोगन्स गवर्नमेंट ने दिए थे और मैंने प्रीवियस के प्रेजेंट टाइम में बता दिए। जैसे गरीबी हटाओ, कांग्रेस का कंपेन था, उसमें इंदिरा गांधी मेन लीडर थी कांग्रेस की, यानी मेन लीडर ऑफ द कांग्रेस इंदिरा गांधी 1977, इट इज अ इमरजेंसी टाइम, इट इज अ इमरजेंसी टाइम, इंदिरा गांधी से यानी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, यानी इंडिया में जो गरीबी थी उसको हटाने के लिए स्लोगन दिया 1997। से नेक्स्ट था सेव डेमोक्रेसी, यानी जनता पार्टी जो थी जिसकी गवर्नमेंट थी उसमें उसने क्या कहा था सेव डेमोक्रेसी, यानी जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1997 में इमरजेंसी लगाई जिसे बोलते हैं आपातकालीन, तो सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी 1997। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, यानी तेलुगुज आंध्र प्रदेश के लिए, यानी तेलुगु देशम पार्टी थी आंध्र प्रदेश में, वहां के जो एंटी रामाराव थे, एक एंटी रामाराव लीडर थे वहां के, उन्होंने क्या कहते प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ऑफ द तेलुगु यानी तेलुगु लोगों के उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट उनको बचाव करो। अब नेक्स्ट आता है इलेक्शन कंपेन, सारी चीज होती है आपने होगा कैसे कैसे इलेक्शन कंपेन लोग इधर उधर दौड़ते हैं, अपनी पार्टीज करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, है ना, तो इलेक्शन कंपेन होता है। पोलिंग स्टूडेंट्स, पोलिंग बूथ, अब पोलिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द वोटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द वोटर्स यानी जो पोलिंग लिस्ट होती है, जो पोलिंग बूथ होती है, यानी पब्लिक हॉलीडे इज डिक्लेयर्ड, यानी दैट डे पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर्ड ऑन द इलेक्शन डे, यानी जिसने इलेक्शन होता है पब्लिक डे जो पब्लिक हॉलीडे कर देता है, यानी जिस पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में या किसी स्टेट में इलेक्शन कंटेस्टिंग हो रहे हैं तो वहां पर क्या रहता है पब्लिक हॉलीडे कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सो दैट ईच वोटर मे एक्सरसाइज हिज वोट, हिज वोट, सो पब्लिक हॉलीडे यानी उसने क्या कर दिया था डिक्लेयर कर दिया था पब्लिक हॉलीडे, इलेक्शन होता है चाहे वो किसी स्टेट का हो या स्टेट का हो तो स्टेट में होगा और सेंटर का यानी किसी कंट्री से एरिया में इलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन हेल्ड बाय द स्टेप बाय स्टेप इन स्टेट और कंट्री, यानी किसी स्टेट में हो किसी कंट्री में हो स्टेप बाय स्टेप देखो जिस स्टेट में जिस एरिया में इलेक्शन फाइट होगा या कंटेस्ट होगा वहां पर पब्लिक हॉलीडे इलेक्शन डे यानी उसे इलेक्शन डे भी कर सकते हैं डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑन ड्यूटी चेक वोटर्स आइडेंटिटी, यानी पोलिंग बूथ होता है, अब ये पोलिंग बूथ बनाया गया है, पोलिंग बूथ मेड इन द स्कूल्स, स्कूल्स में बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं,
होती नहीं है, यानी किसी स्कूल से बनाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल या मेनली गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, वहां पर स्कूल में बूथ बनाए जाते हैं जहां पर वोटिंग पड़ती है, यानी वोटिंग होती है। एंड अब यहां पर होता है कि पार्टीज जो होती हैं वो अपने एजेंट बनाती हैं, पार्टीज मेड योर एजेंट्स फॉर चेकिंग, यानी वोट जो होते हैं कि लोग उसमें जो वोट है वो मैंने एक जो करप्शन जो करते होता है ना, जैसे बूथ कैप्चर ना हो, जैसे फर्जी वोट ना पड़े, यानी लोग डबल डबल वोट ना डालें, इस तरह से वहां पर एजेंट्स बन जाते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं चेक ऑन ड्यूटी ऑफिसर चेक आइडेंटिटी कार्ड, यानी इपिक, ये जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ये इपिक, यानी जो इपिक होता है उसको, यानी आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम पहचान पत्र बोलते हैं, उस पहचान पत्र को वो चेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, पोलिंग बूथ, यानी आफ्टर द पोलिंग बूथ कॉन्टैक्ट, यानी काउंटिंग ऑफ वोटर्स, यानी इसके वजह वोट पड़ जाते हैं पूरी कंट्री में, यानी ओवरऑल कंट्री एंड एनी स्टेट्स, देन द काउंटिंग ऑफ वोटर्स, यानी काउंटिंग ऑफ द वोटर्स आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर द काउंटिंग एनी पर्सनल ऑफ द अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन ऑफिसर, यानी अपॉइंटेड द इलेक्शन ऑफिसर हु एट द फिक्स्ड प्लेस एट द फिक्स्ड टाइम स्टार्ट देयर काउंटिंग वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे हम आरओ कहते हैं, शॉर्ट में आरओ कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। इज द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, यानी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर चेक दैट एजेंट्स ऑफ ऑल पार्टीज शुड बी प्रेजेंट टू इंश्योर दैट काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, यानी वहां पर उनको चेक करता है सभी पार्टी के एजेंट हैं या नहीं है और उनको प्रॉपरली चेक करता है। आफ्टर द काउंटिंग, यानी कंप्लीटिंग द काउंटिंग, काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी डिफरेंट टाइप्स, यानी काउंटिंग, नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, देन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोटर्स इज ओवर द इलेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर्स द कैंडिडेट गेटिंग द मैक्सिमम वोट एज इलेक्टेड, यानी जो इलेक्शन में गेटिंग यानी मोर देन सबसे ज्यादा वोट इलेक्ट करता है, यानी गेट करना पाता है उसको इलेक्टेड, यानी उसको विनिंग कैंडिडेट मतलब अपॉइंट घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया था उसको। अब उसको क्या कहता है कि रिटू रिटर्न द रिटर्निंग ऑफिसर गेव द यानी विनिंग सर्टिफिकेट, उसको क्या देता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। आफ्टर दैट, यानी जब यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो गया, कैंडिडेट जीत भी गया, अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन कंपटीशन पिटीशन होती है, इलेक्शन पिटीशन, यानी इलेक्शन पिटीशन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट द डिफीटेड कैंडिडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन अगेंस्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगेंस्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी जो डिफीटेड कैंडिडेट होता है, हारा हुआ कैंडिडेट होता है, कैन द पिटीशन अगेंस्ट द विनिंग कैंडिडेट या डिक्लेरेड कैंडिडेट, यानी उसमें क्या होता है, कभी कभी उसे लगता है कि इसमें मतलब काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, मिस्टेक हुई है, यानी उसमें गड़बड़ दी गई है, हमें जबरदस्ती जानबूझ के हराया गया है, तो वो उसमें अपनी कोर्ट में जाकर इलेक्शन पिटीशन भी कर सकता है उसके, यानी विनिंग कैंडिडेट के अगेंस्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।